हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो है मैं अपना एक गार्डन का एक छोटा सा पोर्शन शेयर कर रही हूँ, जो मेरा जो गार्डन का सेंटर पीस है उसको जो है मैं आपके साथ थोड़ा सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है ये मेरे सारे रेन लिली के प्लांट्स हैं और इस वक्त जो है ये काफ़ी अच्छी ब्लूम दिए हुए हैं, लेकिन शाम का टाइम है। अब ये फ्लावर्स जो है वो धीरे 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 जो है स्पेंड होते जा रहे हैं। कुछ फ्लावर्स देखिए स्पेंड हो चुके हैं और थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल खुले हुए थे, 10 मिनट पहले, और 10 मिनट के बाद जैसे जैसे सनसेट होना शुरू हो रहा है ये फ्लावर्स एंड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मेरे जो है पॉट्स हैं, जो मेरे कंटेनर्स हैं, ये सारे रेन लिली के हैं। इसमें जो है फ्रेंड्स रेड कलर की रेन लिली भी आई हुई है और वाइट कलर की रेन लिली भी आई हुई है। अभी येलो कलर की रेन लिली के ऊपर जो है फ्लावर्स नहीं खिले हैं। और उसके अलावा ये मेरे रजनीगंधा के प्लांट्स हैं, इसके भी मेरे पास 5-6 पॉट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिनों के बाद इसका जो है इसके ऊपर भी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ये भी एक मेरा एक लिली का प्लांट है, और पीछे जो है ये मेरे फाइकस हैं, फाइकस पांडा, सॉरी गोल्डन फाइकस, और ये है फ्रेंड्स मेरे फाइकस पांडा। तो इसके भी मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स हैं, और ये भी मेरा फाइकस पांडा लगा हुआ है, ये मेरा गोल्डन फाइकस है। और अगर मैं दूसरी तरफ को यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे इस पार्ट का विजन है, पीछे लास्ट में मैंने फाइकस लगा के रखे हुए हैं, और आगे मेरे रीन लिली के प्लांट्स हैं, और ये जो है मेरी एरेंथेमम की वैरायटी है। इसको अगर हम सन में लगाते हैं तो ये डार्क कलर हो जाता है, और अगर हम शेड में लगाते हैं तो इसका कलर लाइट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं दूसरी साइड को मूव करूँ तो ये मेरी दूसरी एरेंथेमम की वैरायटी है। इसमें मेरे 3-4 तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, मैंने रेड पर्पल एरेंथेमम की वैरायटी है, जो कि मैंने जिसके बारे में वीडियो शेयर की थी, ऐसे ही ये जो है दूसरी एरेंथेमम की वैरायटी है। इसकी फ्रंट से जो लीव्स आती हैं वो डार्क ग्रीन कलर की आती हैं, और इसका जो बैक पार्ट होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। इसके अलावा मेरे जो है ये भी एक और एरेंथेमम की वैरायटी है, जिसके जो है लीव्स बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर की आती हैं। तो इस तरह से जो मेरा ये वाला पोर्शन है, ये मैंने पूरा का पूरा एरेंथेमम से कवर करके रखा हुआ है। और इसको इसका अगर मैं आपको विजन दे के चलूँ तो इसका विजन जो है सामने से इस तरह से आता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा सारा का सारा एरेंथेमम का है। और उसके बाद अगर मैं इस तरफ को मूव करके चलती हूँ तो इस तरफ को भी ये यहाँ तक एरेंथेमम सारा आया हुआ है, ये भी मेरा एरेंथेमम का प्लांट है। और उसके बाद जो है इधर एक मैंने पॉट में बल्ब्स लगा के रखे हुए हैं, अभी इसके कोई लीव्स नहीं निकली हैं, जब निकलेंगी तब मैं इसके बारे में शेयर करूँगी। और इधर हम आते हैं तो जो है इधर मेरे जटरोफा के प्लांट लगे हुए हैं। ये एक ही पॉट में 3-4 प्लांट लगे हुए हैं, और साथ में जो है एक और पॉट है जिसमें मेरे एरेंथेमम लगा हुआ है, वेरिकेटेड एरेंथेमम, जिसमें वाइट और ग्रीन कलर की लीव्स आई हुई हैं। और उसके बाद जो है ये मेरे गुड़हल के प्लांट्स हैं, अभी इसके ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं है। और इसके अलावा जो है ये मेरे लांसा के पॉट्स हैं, मेरे पास ये 3-4 पॉट्स लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे बड़े हो रहे हैं, देखिए पूरा पॉट को फिल कर रखा है, और अब इसकी कटिंग प्रूनिंग का टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये फिर लगी लगी से हो जाएंगे। और उसके बाद ये मेरा साइकस का प्लांट है, इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बनानी है, तो इसके ऊपर नई लीव्स आई हुई हैं, लेकिन इसको कुछ ना कुछ कोई इंसेक्टिसाइड ने इसको इसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से ये जो है लीव्स थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, इस साइड को फिर आते हैं तो मेरा है फाइकस पांडा का प्लांट, और फिर ये मेरा एक और जो है हिबिस्कस का प्लांट है, ये मेरा कनेर का प्लांट है। और उसके बाद यहाँ पर इस साइड को अगर मैं आती हूँ तो ये जो है मेरे यहाँ पर मैंने मॉस ग्रास पोर्चुगलाका के मेरे प्लांट बास्केट्स दो बनी हुई हैं, और उसके अंदर ही मेरा मैक्सिकन मिंट वगैरह का प्लांट लगा हुआ है। सो फ्रेंड, इसका ये विजन ऐसे आता है। सो अगर मैं सराउंड करके चलूँ तो मेरा ये जो है जो सेंटर पीस है, तो टॉप में देख के चलिए, पूरा का पूरा मैक्सिकन मिंट है, और उसके मेरे 5-6 पॉट लगे हुए हैं, और जिसमें पूरा का पूरा सर्फेस को कवर कर रखा है। और ऊपर ही ऐसे मेरा जो है ये फाइकस का और प्लांट लगा हुआ है, फाइकस बेंजोमिना, उसके साथ ही मैंने एक पॉट के अंदर तुलसी जी लगा के रखे हुए हैं। सो फ्रेंड, ऊपर का पार्ट जो है ये मेरा पिलर यहाँ पे है, पिलर के ऊपर जो है ऐसे मेरा विजन आता है ये वाला। और उसके बाद मैं अगर इसको नीचे से दिखा के चलूँ तो ये जो है चारों तरफ से मैं अगर इसको सराउंड करके चलती हूँ तो ये मेरा इस तरह से विजन आता है। तो फ्रेंड्स, ये चारों तरफ से मैंने एक अपने पिलर को ऊपर से टॉप टू बॉटम इस तरह से कवर करके रखा हुआ है। और सो फ्रेंड्स, प्लांट्स लगा के चलती हूँ वो उनको इस तरह से लगा के चलती हूँ कि सारी की सारी वैरायटी एक ही तरफ कलेक्टिवली हमारी पड़ी हुई हो, जिससे कि वो जो है ना उस एरिया की ब्यूटी को और एनहांस करके रखे। जब हम किसी भी प्लांट को अगर ग्रुप में लगा के चलते हैं तो उसका जो है हमें पूरा अच्छे से व्यू आता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं मैक्सिमम मिंट का आपका बताया कि मेरे 3-4 पॉट्स हैं, तो इसने पूरे के पूरे एरिया को कवर करके रखा हुआ है। आप इसको अगर टॉप से देख के चलिए
तो ये पूरा का पूरा टॉप मैक्सिमम मिंट से भरा हुआ है और इसकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो ये देखिए मैं तीन तरफ से इसको सराउंड करती हूँ तो इसने मेरा एरिया को ऐसे कवर करके रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मेरा सारा का सारा जो है यहाँ पर इस तरफ को मैंने अपने फाइकस की वैरायटी रखी हुई है, मेरी फाइकस पांडा भी है और फाइकस मेरा गोल्डन भी है और आगे फिर मेरे सारे रेन लिली के प्लांट्स हैं। तो इस तरह से जो कलेक्टिवली एक तो अपने प्लांट्स जो है जब ग्रुप में रहते हैं तो अपनी एक ब्यूटी को बना के रखते हैं। और इधर से ऐसे एरेंथेमम है तो एरेंथेमम का भी आप देखिए कि एरेंथेमम का कितना अच्छा लुक लग के आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक जैसे पूरी की पूरी हमने हेज सी डेवलप करके रखी हुई है। तो मतलब जब प्लांट्स इकट्ठे रहते हैं तो उनकी एक ब्यूटी डिफरेंट ही निकल के आती है। तो इसमें भी मेरी एरेंथेमम की 3-4 वेराइटीज़ हैं। एक पॉट मेरा और आगे लगा हुआ है जिसमें मैंने रियो का और पर्पल हार्ट का लगा के रखा हुआ है। इसकी और प्लांट्स मेरे दूसरी तरफ पड़े हुए हैं लेकिन वैसे मैं जितने भी प्लांट्स लगा के चलती हूँ तो सारे के सारे प्लांट्स को एक ही जगह पे लगा के चलती हूँ ताकि वो जो है अपनी एक जैसे हेज की तरह अपनी ब्यूटी को एनहांस करके चलें। और जहाँ पे भी प्लांट हम जब उनको वाटर रिक्वायरमेंट वगैरह रहती है तो उस जगह पे हम उसके अकॉर्डिंग हम पानी दे देते हैं। हमें कभी कभी कई प्लांट्स को एक दिन में, कईयों को दो दिन के बाद पानी देना पड़ता है। तो इस तरह से हमें किस प्लांट को कब पानी देता है, एक ही जगह पे ही हमारे पास कलेक्टिवली सारे प्लांट्स रहते हैं। और वो भी जो है ऐसे लगता है कि हमारे पास प्लांट्स जो है प्लांट्स नहीं है, जैसे हमने एक नर्सरी में बहुत सारे पॉट्स को इकट्ठा रखा हुआ है या एक हेज डेवलप करके रखी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो मेरे जो गार्डन का एक छोटे से सेंटर पीस को लेकर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।